फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू यमी फूड। आज हम बनाने वाले हैं हक्का नूडल्स। तो देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। पहले तो हमें एक पैन में पानी लेना है, नूडल्स 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑयल। हमें अभी इसे गर्म करने रखना है। पहले हमें पानी में नूडल्स डालना है, 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है, 1 टीस्पून ऑयल डालना है। हमें इसे गर्म करना है जब तक कि एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। अब हमारा नूडल्स बॉईल होके रेडी हो चुका है। अब आपका नूडल्स बॉईल होने के बाद आप एक छन्नी में अपना नूडल्स डाल लीजिए और जो भी पानी वो निकाल लीजिए। और इसके बाद उसमें ठंडा पानी डालकर इसे ठंडा कर लीजिए जिससे कि वो चिपचिपा ना हो। नूडल्स तो हमारा बन चुका है। अब हम इसके अलावा लगने वाला है 2 टीस्पून ऑयल और ये चिंग्स का हक्का नूडल्स का एक पैकेट मैंने पूरा लिया है, कैबेज, कैप्सिकम। इसके अलावा आप अनियंस, कैरेट्स या कोई भी और सब्जी आप ले सकते हैं जिससे कि ये हेल्दी बन जाएगा। हम पैन में ऑयल डालेंगे। अब हम इसे टेबल डालेंगे कैबेज डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी सब्जियां पक चुकी है। अब हम इसे इसमें हक्का नूडल्स का मसाला डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें नूडल्स डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक दे देंगे और इसे 2 मिनट के लिए गर्म करेंगे। गरम कर लिया है, ये पक चुका है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। हमने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है और आप देख सकते हैं नूडल्स रेडी हो चुका है। ये बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।